हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और जैसा कि बैकग्राउंड देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं गोरखपुर में कहाँ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, मैं अभी हूँ गोरखनाथ कैंपस मंदिर के अंदर में, और ये वही गोरखनाथ मंदिर है जिसके मठाधीश महंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अभी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस मंदिर का पूरा आपको टूर कराऊंगा, और साथ ही साथ इस मंदिर से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबाते हुए, और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं गोरखनाथ मंदिर में, मेन मंदिर के ठीक बाहर में। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय के महानतम संत बाबा गोरक्षनाथ जी को समर्पित है। बाबा गोरखनाथ 11वीं सदी में ज्वाला देवी से होते हुए जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, बाद में उन्होंने यहीं पे समाधि ले ली थी, और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ गया और इस ज़िले का नाम पड़ गया, और ठीक इसी जगह पे उन्होंने समाधि ली थी, तपस्या की थी। अब इस जगह पे भव्य गोरखनाथ मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के वर्तमान महंत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ऐसा नहीं है कि इस मंदिर की भव्यता पे विदेशी आक्रांताओं की कभी बुरी नज़र नहीं लगी। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, फिर 18वीं शताब्दी में विदेशी मुगल आक्रांता औरंगजेब ने भी इसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो पंक्ति है ना कि कुछ बात है हम में जो हस्ती मृत्यु नहीं हमारी। तो दोस्तों, फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, और आज ये मंदिर आप लोगों के सामने में देखिए किस तरह से है। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में आपको पूरा मंदिर परिसर का भ्रमण कराएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये जो मंदिर प्रांगण है ये कुल 52 एकड़ में फैला हुआ है, और जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक गौशाला भी है जिसमें लगभग 400 से अधिक गायों को पाला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगले रविवार ठीक रात के 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।